हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईबीएम की हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब ये जो आईबीएम की हायरिंग होने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग होने वाली है। जब आप इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको डेफिनेटली टेस्ट रिसीव होगा, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन है, फॉर्म कैसे भरना है। दूसरी बात, जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे अप्लाई करने के कितने देर बाद यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट रिसीव हुआ, वो भी मैं आपको बाय मेल शो करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इमीडिएटली असेसमेंट नहीं आएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 24 आवर्स का टाइम लग सकता है असेसमेंट आने के लिए, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस शो करने वाला हूं कि कौन सी हायरिंग पोस्ट करी है, क्या असेसमेंट आएगा, पहले कौन सा मेल आएगा, और सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और देखते हैं इस वीडियो को एंड तक, और आपको सारी की सारी में डिटेल्स एक बार शेयर कर देता हूं। तो मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ एक बार। तो ये जो पोजीशन है वो होने वाली है बैकएंड डेवलपर की, ठीक है। जॉब आईडी यहाँ पर मेंशन है, और नई जॉब आईडी अगर आपने पहले अप्लाई भी किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेस्ट रिसीव हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेमली जावा, पाइथन, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड जे एस, रिडक्स, नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, रेस्ट एपीआई वगैरह की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मांगी है। बैचलर्स डिग्री बेसिक रिक्वायरमेंट इन लोगों ने रखी हुई है, और इसमें आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। द रिक्वायरमेंट्स, ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेंशनड हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, हम मेन मुद्दे पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है और उसके बाद क्या आपके साथ रहेगा। सबसे पहले अप्लाई टू जॉब्स पर क्लिक कर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन सी दिस इज फॉर अर्ली प्रोफेशनल फ्रेशर्स एंड यू कैन ट्राई टू अप्लाई फॉर दिस। यहां पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूं क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने जब ये अप्लाई किया था, ये मैंने अप्लाई किया था कल वीडियो बनाने के लिए, और कल जब मैंने अप्लाई किया था तो यू कैन सी कि कल 4:03 पर मैंने ये अप्लाई किया था एट 4:03 PM, ठीक है। शाम को 4 बजे मैंने लगभग अप्लाई किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अ मेल लाइक दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर आईबीएम जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले यू विल गेट अ मेल लाइक दिस, ओके। देन आफ्टर रिसीविंग दिस मेल, आई गॉट अनदर मेल आफ्टर अराउंड 5 to 7 minutes दैट योर IBM application next steps, okay. So in this mail you can mention all the things are mentioned here, and they have also mentioned that you will be invited for the coding assessment. You can read the coding assessment, all the things are mentioned here, coding assessment aapka kaise hone wala hai, and you will see a accommodation form here. So what you need to do is you need to click on this form, and you need to fill no I don't need any accommodation, ye wala option you need to select, I don't need any accommodation, this option you need to select, okay. So after selecting this option, if you can see I got this mail on around 4:10, and this is for additional information. So you will also get a mail like this where you need to click on this candidate information button, and after clicking on this you will be finding a form which I have already submitted, which you need to submit also. So these two things also you need to complete after applying. Then if you can see, I got the coding assessment at night, raat ko lagbhag 8:45 par. So after 4 to 5 hours I got this mail. So it may take around 1 day. So आपको लगभग एक दिन तक में इन 24 आवर्स आपको कभी भी आ सकता है ये। एंड इफ यू कैन सी प्लीज कंप्लीट द असेसमेंट विद इन 14 डेज ऑफ द इनवाइट, यू विल सी हियर द लिंक इज गिवन, एंड इफ आई कैन ओपन दिस सो यू कैन सी हियर द टेस्ट ड्यूरेशन विल बी 45 मिनट्स एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 2, और यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। सो इफ यू कैन सी, वेलकम टू IBM 2023-2024 बैक एंड डेवलपर इंडिया स्टैंडर्ड, एंड the total number of 2 sections will be there. Section will be coding, one question standard, second will be SQL standard, one question. So you will be finding total 2 question, one on coding, one on SQL. Total minutes time is 45 minutes, 2 questions. This is IBM 2023-2024 backend developer India standard hiring challenge. So you guys can also register for this. This is a direct test opportunity, so you can try to apply. Also, we have some more important hiring. So if you can see, Revicher is also sending mails to candidates. So Revicher is also hiring for multiple positions. So you can find a mail like this. And what you need to do is, how you need to apply is, let's talk about this. So you can see here, Revicher automated Android hiring opportunity, where you need to fill your location, your name, email ID, contact address, and everything you can fill here about your highest qualification. And also you can submit this application. Then we have a next hiring opportunity from EY hiring for associate analyst GMS. Talking about this, the basic requirements you can read here, job location will be Kochi. Basic requirements you can read here in the detail, graduation is required. Then we have a hiring opportunity from ServiceNow. They are hiring you can see a software quality engineer. Talking about this, this is a latest opportunity from ServiceNow for software quality engineer, so you can try to apply. 0+ year of experience is required from their side. So let me put it out all the links in the descriptions, you can apply. Thank you so much for watching.